गिरिडीह में नहावड़ा नई दिल्ली रेल मार्ग पर कोयले लदी मालगाड़ी में आग लगने के बाद 6 बोगियां राख हो गई। गिरिडीह और धनबाद से फायर ब्रिगेड बुलाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर आज सुबह एक मालगाड़ी में आग लग गई। पारसनाथ स्टेशन के रेलवे मैनेजर शशिकांत भारती के अनुसार कोयला लदी मालगाड़ी महुदा धनबाद से हरियाणा जा रही थी। आज सुबह निमिया घाट रेलकर्मी की ने बताया कि मालगाड़ी के 6 बोगियों में आग लग गई है। गिरिडीह और धनबाद से आए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद कई ट्रेनों को जहां तहां रोकना पड़ा, वहीं परिचालन भी बाधित हुआ। हालांकि फिलहाल रेल परिचालन शुरू कर दी गई है। मुखर संवाद के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला ये गाड़ी महुदा से खुली है और पीएमआरजी हरियाणा राज्य थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, लिमिटेड, वहीं पर जाएगी। गोमो से खुलने के बाद निमिया घाट स्टेशन के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि गाड़ी से कुछ आग जैसा लपक दिख रहा है, तो हम लोगों ने जब चेक किया तो 6 गाड़ियों में पाया गया। किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है? अभी आज पर पारसनाथ स्टेशन में अभी इन पर कार्रवाई की जा रही है। आज पर कितने गाड़ियां बाधित हुई होगी? 6 गाड़ियां कोयला के तक देखा गया है सर। एक गाड़ी आग लग रही है, बाकी 6 में थोड़ा छोटा कुछ हल्का का धुआं निकल रहा है। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आग, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।